कई धूमिल करने की रची थी साजिश, लेकिन अब न्यायालय ने दे दी 7 साल की सजा। चौंकिए मत, ये कहना हमारा नहीं है, ये एक असल घटना है। जी हाँ, ये शख्स जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, इसी शख्स ने सीएम योगी की छवि धूमिल करने की कोशिश की थी, और इस शख्स का नाम है परवेज परवास, जिसे अब न्यायालय ने 7 साल की सजा सुनाई है। क्या है ये पूरा मामला, आइए बताते हैं। ये मामला है 2007 का। उस समय परवेज नाम के शख्स ने लोगों को भड़काकर एक वर्ग की दुकानों पर पथराव करवाया था। बाद में फर्जी सीडी पेश कर बीजेपी नेताओं पर माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में मुकदमा दायर करवाया था। साल 2007 में ही जब इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा दी गई थी, तो परवाज नाम के इस शख्स ने गोरखपुर में भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद उसने मुस्लिम भीड़ को इकट्ठा कर शहर में हिंदुओं की दुकानों पर पथराव कराना शुरू कर दिया, जिसके बाद पूरे शहर का माहौल खराब हो गया, चारों ओर आक्रोश का माहौल बन गया। परवाज ने इस घटना का आरोप तत्कालीन सांसद यानी 2007 के समय पर योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा नेता शिव प्रताप शुक्ला, राधामोहन दास अग्रवाल और अंजू चौधरी पर लगाया था, जिसके बाद अपने भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए एक फर्जी मामला दर्ज करवाया। जब इस मामले की जांच करवाई गई, तब न्यायालय की ओर से इस मामले में सबूतों की मांग रखी गई, क्योंकि जांच के दौरान परवेज के दावे सिद्ध नहीं हो सके थे। सबूतों के तौर पर उसने एक सीडी उपलब्ध करवाई। उसने दावा किया कि इस सीडी में इन नेताओं के भड़काऊ भाषण है, लेकिन यह मामला तब पलटा जब इस सीडी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। तब ये फर्जी सीडी निकाली गई और पाया गया कि भाषणों से छेड़छाड़ की गई है, जिसके बाद इस मामले में सियासत गर्मा गई, क्योंकि उसके बाद बीजेपी के खेमे में ऐसी हलचल मची कि बीजेपी के कई नेताओं ने इस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए, और अब न्यायालय की ओर से उसे 7 साल की सजा सुना दी गई है। गौरतलब है कि परवेज पहले से ही दुष्कर्म के एक मामले में जेल में बंद है, उसे कोर्ट ने इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फिलहाल अब इस खबर पर और जिस तरह से परवेज ने योगी आदित्यनाथ के साथ या योगी आदित्यनाथ पर इस तरह के संगीन आरोप लगाए हैं, उनकी छवि के साथ खेलने की कोशिश करी है, और जो सीडी उसने उपलब्ध कराई वो सीडी सरासर फेक निकली है, इस खबर पर अब आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।